हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है दीपांजल जोशी और आज मैं आपको एक नया रिज़ॉर्ट दिखाने के लिए लेके आया हूँ, जो कि है आरामबाग रिज़ॉर्ट, पुष्कर में है। चलिए रिज़ॉर्ट देखते हैं कैसा रिज़ॉर्ट है, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए रिज़ॉर्ट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले जो रिज़ॉर्ट के अंदर मेन चीज़ होती है पार्किंग, वो आपको दिखा देता हूँ। ये पार्किंग एरिया ही है, ये रिसेप्शन है जो आपको मेरे अपने सामने दिख रहा है, और आप पहले व्यू देखिए पूरी प्रॉपर्टी के यहाँ से। अभी तो आपको और भी व्यूज़ देखने को मिलेंगे, पर शुरुआत जैसे होती है वीडियो की तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये व्यू आपको कुछ देखने को मिल जाता है, ये पार्किंग एरिया आपको देखने को मिल जाता है। ये किस इस तरीके का रिसेप्शन है, अभी मैं आपको रिसेप्शन के अंदर लेके चलता हूँ। जैसा कि मानसून का सीज़न है अभी, तो बारिश हो रही है, फिर भी अपन रिसेप्शन के अंदर चलते हैं। इस टाइप का कुछ रिसेप्शन देखने को मिल जाता है आपको। चलिए रिसेप्शन के अंदर चलते हैं। इस तरीके का आपको रिसेप्शन देखने को मिल जाता है इस प्रॉपर्टी का। बहुत ही ह्यूज रिसेप्शन है, अगर रिसेप्शन इतना ह्यूज है तो रूम्स कैसे होंगे आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। बाकी आपको चारों तरफ एक सिटिंग एरिया मिल जाता है, जिसको लॉबी अपन कह सकते हैं, ताकि जब आपका रूम रेडी हो रहा हो तो आप इसमें वेट कर सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके के रूम्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इस रूम्स के अंदर मिलती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ रिज़ॉर्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है। जैसा कि इन्होंने लगा रखा है, इसमें आपको सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे अरेबियन कोर्ट, ट्राइबल कोर्ट, पर्शियन कोर्ट, इजिप्शियन कोर्ट, ग्रीक कोर्ट, चाइनीज़ कोर्ट। इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ये रूम्स हैं, इनके जो चाइनीज़ थीम्स के ऊपर रूम बने हुए हैं। ग्रीक थीम है, इजिप्शियन थीम है, पर्शियन थीम है, ट्राइबल थीम है और अरेबियन थीम है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं थीम्स के ऊपर, जो रूम्स हैं उनको देखने के लिए किस तरीके के रूम्स अपन को अवेलेबल हो जाते हैं इनके पास। चलिए चलते हैं आगे। तो चलते हैं हम इनके रूम्स की तरफ, जो इनके थीम्स बनी हुई है उस तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं इनकी चाइनीज़ थीम है जो वो दिखाता हूँ कैसे रूम्स हैं। तो इस तरीके की कुछ थीम की हमको एंट्रेंस मिल जाती है चाइनीज़ थीम की। चलिए अंदर चलते हैं हम चाइनीज़ थीम के, क्या क्या है। अब ये चाइनीज़ में इसको क्या बोलते हैं वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन लग तो ड्रैगन सा ही रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। तो इस तरीके की कुछ हमको चाइनीज़ थीम के रूम्स देखने को मिल जाते हैं, और वाह यार क्या बात है। देखिए आप, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, इतना बड़ा गार्डन। चलिए हम आपको लेके चलता हूँ यहाँ से, व्यू देखिए आप एक बार सामने पहाड़ों का। ऐसा व्यू मिलेगा तो भाई कौन नहीं आएगा। चलिए आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर, दिखाता हूँ कैसा रूम है। रूम की तरफ चलते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको रूम देखने को मिलता है, आपको रूम में बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये पेंट्री एरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक मिनी फ्रिज मिल जाता है, छोटा सा बाहर चाहो तो बना सकते हो। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, ये पेबल है सारा अमाउंट, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, जूस कैन, एनर्जी ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक 500 ml की मिल जाती है। ये अंदर कुछ सारी चीज़ आपको मिल जाती है, ये बाहर लिखी भी नहीं थी पर इसके अंदर है पड़ी हुई, चलो अच्छी बात है ये तो। तो इस तरीके का आपको एक पेंट्री एरिया मिल जाता है, यहाँ पे आपको टी कर्टेंस मिल जाते हैं, सारे सारी चीज़ें आपको मिल जाती है यहाँ पे, एमिनिटीज़ भी। चलिए रूम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको ये दो जनों की सिटिंग एरिया मिल जाता है, बिल्कुल चाइनीज़ थीम के ऊपर ये रूम बना हुआ है। तो जो आपको सोफ़े देखने को मिल रहे हैं ये भी चाइनीज़ थीम से रिलेटेड ही हैं। कुछ इस तरीके का आपको रूम देखने को मिल जाता है इसका। ये आपको बेड देखने को मिल जाता है, टीवी कैबिनेट आ जाता है यहाँ पर सामने, आप बेड देखिए एक बार, इस तरीके का बेड देखने को मिल जाता है। यह आपको अपना सामान रखने के लिए वार्डरोब मिल जाती है, यह आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है, इधर से ही आपको आपके वॉशरूम का एंट्री मिल जाती है। कुछ इस तरीके का वॉशरूम देखने को मिल जाता है आपको, कुछ ये सारी एमिनिटीज़ आपको इधर मिलती है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। और इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक प्राइवेट पूल देखने को मिलता है यहाँ पे अपने रूम के अंदर। चलिए प्राइवेट पूल के अंदर चलते हैं। आपको अभी इसमें वाटर पानी नहीं है, क्योंकि अभी ये रूम से हम देख रहे हैं, आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ पूरी फिलअप मिलेगी जब आप इसको लेंगे।
ये रूम की कॉस्टिंग कुछ अप्रोक्सीमेटली 6000 प्लस टैक्सेस है, बाकी आप ऑनलाइन बुकिंग करके देख सकते हैं। ये आपको इस रूम के बाहर पीछे की तरफ आपको एक एरिया मिल जाता है बैठने के लिए। वैसे तो बैठना आगे चाहिए, लेकिन अगर आप पीछे बैठना चाहते हो तो पीछे ही बैठ सकते हो। चलिए अब आपको मैं दूसरी थीम दिखाता हूँ, जो कि है ग्रीक थीम, ग्रीक गॉड। इसमें हमको 12 रूम इसमें भी देखने को मिल जाते हैं, 12 विला हैं, रूम नहीं कह सकते। तो इस तरीके की कुछ एंट्रेंस आपको देखने को मिलती है। ये आपको एक ज्यूस का पोर्ट्रेट और एक बहुत ही अच्छी चीज़ स्क्रप्चर देखने को मिल जाता है। चलिए हम अंदर चलते हैं ग्रीक्स थीम की तरफ, कैसी बन रखी है ये। बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके की आपको ग्रीक थीम देखने को मिलती है। रूम के अंदर हम अभी चलेंगे, सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें देखिए कि किस तरीके का इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे, जो कि पुष्कर के अंदर मेरे हिसाब से तो ये वन एंड द ओनली हैं जो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ये स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ रोड्स का स्टैचू है, एंशिएंट वंडर, ये देखिए आप। चलिए इसके रूम की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ हमारे सामने है। चलिए चलते हैं हम रूम की तरफ, चलिए हम इसके रूम की तरफ चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको रूम कैसा है। सबसे पहले एंटर होती है एक पेंट्री एरिया मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको चाइनीज़ थीम में बताया था। यहाँ पे भी आपको फ्रिज देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको मैं आपका इनका रूम दिखाता हूँ, ग्रीक वाला। तो ये आपको बेडिंग मिल जाती है, ट्विन बेड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो आप जब ऑर्डर करें, ऑनलाइन बुक करेंगे, तब आप डबल बेड बुक कर सकते हैं। बाकी ये मैं आपको ट्विन बेड वाला रूम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ट्विन बेड देखने को मिल जाता है। ये आपको पूल की एक व्यू देखने को मिल जाता है मेरे रूम से ही, जो कि यहाँ पे विंडो दे रखी है। ये आपको अपना क्लोजेट मिल जाता है सारी सामान रखने के लिए, वार्डरोब। ये आपको बाथरूम आपका देखने को मिल जाता है, सारी अमेनिटीज़ आपको यहाँ बाथरूम में मिल जाती है। और इधर से आपका पूल की, प्राइवेट पूल के एंट्रेंस मिलती है, कुछ इस तरीके की आपको एंट्रेंस मिल जाती है ग्रीक थीम में प्राइवेट पूल की। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये। चलिए मैं आपको इसकी तीसरी थीम दिखाता हूँ, किस तरीके के रूम्स हैं। थर्ड थीम आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इजिप्शियन थीम है। चलिए इसके अंदर चलते हैं इजिप्शियन थीम के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हैं इसके रूम्स। रूम्स मेजरली इन तीनों थीम्स के सेम ही हैं, बस जो थीम्स के हिसाब से पूरा अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं, ये आपको थीम देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके की। तरफ चलते हैं, मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके की थीम आपको देखने को मिल जाती है, इजिप्शियन के इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम रूम की तरफ चलते हैं अंदर, कैसा रूम है। इस तरीके का कुछ रूम आपको देखने को मिल जाता है इजिप्शियन थीम में। एंटर होती है आपको गेट के ऊपर एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है इजिप्शियन थीम से रिलेटेड। आपको ये पेंट्री देखने को मिल जाता है, जैसा हमने चाइनीज़ थीम और ग्रीक थीम में देखा था, बिल्कुल सेम टू सेम आपको पेंट्री देखने को मिल जाता है। आपको ये सिटिंग एरिया देखने को मिल जाता है, उसके बाद बेडिंग आपको मिल जाती है। आपके बेड के पास में ही आपको एक अपने प्राइवेट पूल की एक व्यू देखने को मिल जाता है। ये आपको वार्डरोब सेक्शन मिल जाता है इजिप्शियन एरिया, इजिप्शियन थीम का। इससे ही आपके एंट्रेंस हो जाती है आपके बाथरूम की और प्राइवेट पूल की। इसमें भी आपको सारी अमेनिटीज देखने को मिल जाती है, और यहाँ से आपको आपके प्राइवेट पूल की एंट्रेंस हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जी कुछ आपको प्राइवेट पूल आपका देखने को मिल जाता है। ये इजिप्शियन थीम है, जिसका आपको प्राइवेट पूल में अभी आपको दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको पर्शियन थीम दिखाता हूँ। तो ये एंट्रेंस हमको मिलती है पर्शियन थीम की, यहाँ पे एंट्रेंस देख लीजिए,
चलिए अंदर चलते हैं पर्शियन थीम के। कुछ इस तरीके की हमको पर्शियन थीम देखने को मिल जाती है इसके एंट्रेंस। कुछ इस तरीके का आपको अंदर एक व्यू देखने को मिल जाता है। चारों तरफ आपको पौधे देखने को मिल जाते हैं। स्कल्पचर्स तो यहाँ पे चारों सब में ही हैं, सारी थीम्स के अंदर ही हैं। फिर भी मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, किस तरीके का स्ट्रक्चर है। चलिए रूम की तरफ चलते हैं, मैं आपको रूम दिखाता हूँ कैसा रूम है इसका। आपको इसका एंट्रेंस देखने को मिल जाता है रूम का। अंदर एंटर होते ही सबसे पहले हमको पेंटेरिया देखने को मिलता है जो आपके सामने है अभी, जैसा कि सारे थीम्स के अंदर था। उसके बाद आपको जो अपना एंटर होते ही आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है और आपको ये बेडिंग देखने को मिल जाती है। इसके जस्ट पास में ही आपको पूल देखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ पूल कैसा है, प्राइवेट पूल। ये आपको वार्डरोब सेक्शन देखने को मिल जाता है। इधर से आपका बाथरूम की अवेलेबिलिटी हो जाती है। सारी अम्यूनिटी जैसे मैंने आपको बताया था सारी अवेलेबिलिटी रहती है। इस तरीके का कुछ प्राइवेट पूल आपको देखने को मिल जाता है इसका। आप हाइट देख लीजिए, इस तरीके का कुछ प्राइवेट पूल देखने को मिल जाता है आपको। ये पूल अभी रूम चेक इन होने वाला है, दैट्स व्हाई ये पूल अभी भरा हुआ है। इस तरीके की कुछ आपको चारों थीम्स देखने को मिल जाती है इस प्रॉपर्टी के अंदर। आप जो चाहें वो थीम का रूम बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं या डायरेक्टली, या फिर जो भी चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं वो सारी चैनल्स के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। बाकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे जाके आप बुकिंग करना चाहते हो बुकिंग कर सकते हैं। और मैं इनके रिसेप्शन के नंबर भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली इनको कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हो, ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये गार्डन एरिया है। इसके पास में आपको पूल देखने को मिल जाता है हमको आरामबाग का। ये पूल देखिए आप, कितना वाइड पूल है। बस इसमें कोई थीम नहीं है पूल में, लेकिन पूल बहुत अच्छा है, आप देख लीजिए। एक तरीके से छोटा सा इन्फिनिटी पूल कह सकते हैं अपन इसको, क्योंकि आपको सामने का व्यू देखने को मिल जाता है ऐसे पूल के साथ। एंजॉय कर सकते हो आप आके। ये आपको एक सिटिंग एरिया देखने को मिल जाता है यहाँ पर। चलिए अब इसके, अब अरेबियन रूम्स जो हैं, अरेबियन थीम्स के ऊपर रूम्स हैं, उसके अंदर चलते हैं, जो कि सबसे अच्छे रूम्स हैं जहाँ से सारी मतलब व्यूज़ बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। और जो आप ये एरिया देख रहे हो यहाँ पे, जैसे फोक डांस कभी होता है तो उसके लिए ये एरिया बना रखा है जब रूम्स रखते हैं। तो चलिए हम अरेबियन रूम्स की तरफ चलते हैं। कुछ इस तरीके की आपको ये हट देखने को मिल जाती है अरेबियन रूम्स की, और ये कुछ एरिया देखने को मिल जाता है। बहुत ही पीसफुल जगह है, आप आराम से आए हैं तो इन्जॉय करने के हिसाब से बहुत ही प्यारी जगह है। चलिए मैं आपको अरेबियन रूम के अंदर लेके चलता हूँ, किस तरीके के रूम्स हैं, किस तरीके की हट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमको इस रूम के अंदर देखने को मिलती हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अरेबियन थीम के रूम की तरफ। कुछ इस तरीके का आपको रूम देखने को मिल जाता है। ये एक हट टाइप रूम है। कुछ इस तरीके का आपको बेडिंग देखने को मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ से आपको अपने प्राइवेट पूल का, बहुत ही मैसिव पूल है प्राइवेट पूल जो है, ये आपको आपके सारे एमिनिटीज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे नीचे आपको मिनी फ्रिज देखने को मिल जाता है। ये आपको आपका वार्डरोब सेक्शन देखने को मिल जाता है। ये आपको बाथरूम मिल जाता है आपका, इसके अंदर आपको सारी एमिनिटीज यहाँ मिल जाती है देखने को। चलिए मैं आपको इसका प्राइवेट पूल दिखाता हूँ, बहुत ही मैसिव प्राइवेट पूल है। ये देखिए आप, इस तरीके का आपको कुछ पूल देखने को मिल जाता है इसका। आपको बहुत ही बड़ा पूल है और ये अप्रॉक्सीमेटली इसका जो कॉस्ट है वो 8000 प्लस टैक्सेस है इस रूम का, अरेबियन थीम का जो रूम है। ये आपको दो जनों की सिटिंग मिल जाती है और एक ही टेबल मिल जाती है। बारिश का टाइम है इसलिए इसको थोड़ा साइड में रख रखा है। कुछ इस तरीके का आपको एक गार्डन एरिया मिल जाता है आपके लिए एंजॉय करने के हिसाब से। लास्ट में मैं आपको रेस्टोरेंट और बार दिखाता हूँ कि बार कैसा है। सबसे पहले अपन बार की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको रेस्टोरेंट एरिया दिखाऊंगा। ये बार है, जो भी बार का शौकीन है वो यहाँ पर आ सकता है। ये बार का एरिया आपको मिल जाता है पूरा। इसके जस्ट पास में आपको रेस्टोरेंट एरिया दिख रहा होगा, वहाँ पर मैं आपको भी लेके चलूँगा।
यहाँ आपको सारी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। बाकी आप अपने रूम्स में भी ड्रिंक्स मंगवा सकते हैं जो आप चाहें। चलिए रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। आपको एंट्रेंस देखने को मिल जाता है इसमें। कुछ इस तरीके का आपको एक रेस्टोरेंट देखने को मिल जाता है। वैसे रेस्टोरेंट में आना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप एज ए गेस्ट हैं तो आप अपने रूम्स के अंदर भी सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी आपको हो जाएगी। फिर भी अगर आप रेस्टोरेंट में आके डिनर करना चाहते हैं, लंच या ब्रेकफास्ट जो भी आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो के अंत तक बने हुए हैं मेरे साथ में और आपको अगर प्रॉपर्टी पसंद आई हो तो विज़िट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे बताने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों के साथ जो कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ में आना पसंद करते हो। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, सब्सक्राइब चैनल पे सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक ज़रूर कर देवें ताकि और नई नई वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।